आप लोग ना भगवान को भूल जाते हैं, काम में इतने फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं कि भगवान को, कई बार आप लोग खा लेते हैं भोग लगाना भूल जाते हैं, कई बार आप भगवान के चरणों में प्रणाम करना भूल जाते हैं, बिना प्रणाम के भगवान को घर से निकल गए। जब कई बार आप खा लेते हैं तब आपको याद आता, अरे अभी तो भोग ही नहीं लगा, खा लिया, भूल जाते हैं। इसलिए सदा कहो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, भोग लगाकर ही खाओ। भोग किसका लगाना चाहिए? आप लोग ना भगवान को भोजन का तो भोग लगाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी, लेकिन आप ना पानी का भोग नहीं लगाते। क्या भगवान को प्यास नहीं लगती होगी? एक आचमनी में जल ऐसे घुमा दिए तो आपको भी हम एक आचमनी पानी पिलाएं, बस जैसे पानी, जैसे भोजन का भोग लगता है ना, ऐसे ही मंदिरों में भगवान को बढ़िया गिलास में पानी में तुलसी डालकर और जल का भी भोग लगाना चाहिए। जब भी पानी पियो तो पहले भगवान का स्मरण कर लो। इसलिए आपके मंदिर में एक छोटी गिलास सुंदर सी साफ सुथरी, उसमें पानी और एक तुलसी का पत्ता, तुलसी युक्त पानी, भगवान को भोग लगाओ, ढक करके रखो, भोग लगाओ और शाम को वो पानी आप प्रसादी रूप में पी लो। पानी का भी भोग लगाना चाहिए, मतलब पानी भी पियो तो पहले भगवान का हे प्रभु ग्रहण कीजिए, जूस पियो तो पहले भगवान का स्मरण हे प्रभु ग्रहण कीजिए फिर पियो। आप बहुत सारी चीजें हैं जो खा पी लेते हैं, भोग नहीं लगाते। अब जैसे आपके घर में आम आया, आम के सीजन में, तो आम आते ही आप लोग ना सीधे खाने लग जाते हैं, क्यों? कोई भी फल आया, मिठाई आई, सीधा डिब्बा खोला, खाना स्टार्ट। ये नहीं कि पहले भोग लगाते, ये नियम बनाओ कि जो भी घर में आएगा, बच्चों को भी बताओ कि बेटा जो भी खाओगे पहले भगवान जी को तुम ही निवेदित भोजन करही, नई साड़ी आवे तो उसे भी पहले अपने घर में, जो आपके घर में देवी हैं, कृष्ण हैं, श्री राधा रानी हैं, तो कृष्ण में ही स्पर्श करा दो, क्योंकि गोपाल जी का स्पर्श करा दिया तो गोपाल जी के अंदर ही राधा रानी विराजी हैं। तो इनको ही नया सोना चांदी पति ने हार बनवाया तो पहले वो भगवान जी को पहनाना चाहिए। आप लोग तो पहले ही दुकान में ही पहन के ट्राई देखो, ठीक है अच्छा, अच्छी मैं अच्छी लग रही हूं। भगवान के लिए आप, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दाल बनाएंगे तो दाल में थोड़ा सा खा के चेक कर लेंगे कि नमक कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं, पहले ही जूठा कर लेते हैं थोड़ा। भोग लगाने के भाव से भगवान को